रियल एस्टेट मार्केट को बजट से हर बार की तरह इस बार भी ढेरों उम्मीदें हैं। पिछले वर्षों के बजट में लाए गए कुछ प्रावधानों को खत्म करने की मांग भी रियल एस्टेट सेक्टर कर रहा है। विचाराधीन हो कि एक टीडीएस डिडक्ट होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, वो 50 लाख की लिमिट है, उसको अगर बढ़ा दी जाए, वैसे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको अबॉलिश कर देनी चाहिए, बिकॉज वो टीडीएस डिडक्ट करना है एक इंडिविजुअल में, जो कभी भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको डिडक्ट करके जमा कराना होता है, उसके लिए बहुत ही टीडीएस प्रोसेस है। टीडीएस का ये कानून अपनी पेचीदगी की वजह से घर खरीदारों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। हालांकि प्रॉपर्टी बाजार में हालिया बिक्री 50 लाख से कम कीमत यानी अफोर्डेबल घरों की हुई है। अब डेवलपर्स की डिमांड है कि रियल एस्टेट को रफ्तार देने वाले इस सेगमेंट को सरकार बजट में और राहत देने का काम करे। वित्त मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना भी फंड पिछले साल उन्होंने मुहैया कराया था, उससे मेरी उम्मीद है कि इस बार उसको कम से कम डबल करना पड़ेगा, जिससे जो आम इंसान है वो उस होम लोन सब्सिडी का बेनिफिट उठा सके और ज्यादा लोग घर ले सके। इसके अलावा एक पुरानी मांग इस सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस दिलाने की भी है, जिससे सस्ता ब्याज मिल सके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में हमारी जो पिछले 10 साल से डिमांड रही है, रियल स्टेट को एक इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाना चाहिए। जैसे ही हम लोगों को इंडस्ट्री का स्टेटस मिलेगा, तो उससे हमारे लिक्विडिटी वगैरह के इंटरेस्ट रेट वगैरह पे हमको फर्क पड़ेगा। डेवलपर्स की वर्षों पुरानी मांग सिंगल विंडो क्लियरेंस को लेकर भी है, एक ही बार में सारी मंजूरियां मिले, जिससे वक्त और रकम की बचत की जा सके। निवेदन है हमारा वित्त मंत्री से, माननीय वित्त मंत्री से, कि भाई आगे जाके धीरे धीरे इसके अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम चालू करें, जिससे रियल एस्टेट डेवलपर्स को आसानी हो काम करने में, साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ग्राहकों को कहीं ना कहीं राहत दें और उनका बजट बढ़ाएं, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर थोड़ा बूम आ सके। साथ ही घर खरीदारों को इनकम टैक्स में छूट दिलाने की वकालत रियल एस्टेट इंडस्ट्री कर रही है। जो भी टैक्स कंपोनेंट है होम बायर्स के लिए, जो घर खरीदना चाहते हैं, जिन लोगों के पास में इंटरेस्ट कंपोनेंट काफ़ी एड ऑन हो जाता है, तो उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में रिबेट मिले, उनको इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिले, पहली चीज़। दूसरी बात, जितने भी PMAY के अंदर योजनाएं सरकार ने फ्लोट करी हैं, उसके अंदर जो उनका कंपोनेंट है, उनको जो सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है, उनको सब्सिडी का अमाउंट डबल कर देना चाहिए। अब देखना यही है कि क्या अंतरिम या पूर्ण बजट पेश करने का विकल्प तलाशने के बाद सरकार किस तरह से इस सेक्टर को छूट देने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।